हुआ है सच बादशाह, शुक्र है तेरा। आप लोग भी आए हुए हो, क्या हाल चाल? अगर ड्राइवर बंदा नींद पूरी नहीं करेगा तो वो सारा दिन ट्रक सही नहीं चला सकते। बड़ा ज़रूरी है कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10, जितने भी मिल जाए सो जाओ। मेरे पास में ना ट्रेन है तो इस पे हमारा सोना आया, उनकी मेरे को कॉल आई भी कहाँ पे चाहिए। मैं बोला मैं तो भाई ट्रक लेके यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उन्होंने ट्रेन सारी रोक दी है, वो कारों वाले खड़े हैं। ये देखो अभी बड़े बड़े मंत्रियों के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तुमने ट्रेन रुकवा दी है, सारी ट्रैफिक रुक गई है, तुम्हारा सोना हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे विनीपेग में। तो मैंने बोला चलो ठीक है ऐसा कर लो। ऐसा पहली बार होगा हिस्ट्री में कि किसी का सोना उसके घर पे डिलीवर हो रहा है। मैं दोबारा सोने वाला हो गया लेकिन अभी तक ट्रेन ख़त्म नहीं हुई। काम तो बड़ा आसान है इनका, इनके 2 ही टब हैं, एक इसने उठा लिया, देखो एक बाद में लेके जाएगा। लेकिन अभी इनका बंदा बोल रहा है कि मेरे को चेक करना है इसके नीचे किसके टब पड़े हुए। मैं बोला भाई पेपर से मैच कर ला, क्योंकि ये ढक्कन भी इसके ही है, 2-3-4 ढक्कन इसके ही है। लेकिन बंदे समझने को तैयार नहीं, अभी फिर से टार्प उतार के इसको चेक करवाना पड़ेगा ऐसे फोल्ड करके सारी, कि भाई देख तेरे नंबर नहीं है उसमें, नंबर लिखे हुए हैं यार। नियाग्रा फॉल से ना टोरंटो की तरफ जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। भाई सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला होनी चाहिए क्योंकि आज जल्दी है थोड़ी सी, दोनों डिलीवरियाँ करके फिर अपना लोड लेके वापस भी निकलना है। भाई जी चढ़ती कला होनी चाहिए बंदे जी। अगर आप टोरंटो में रहते हो तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं रहते तो मैं बता देता हूँ कि भाई टोरंटो का 401 वेस्ट लंडन वाली साइड से क्रॉस करके विटबी ओशवा वाली तरफ जाना हो तो भाई सुबह के 6-7 बजे से लेके 10-11 तक और दोपहर के 2-3 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक आपको रेड लाइन ही दिखाई देगी। अगर जंग जीतने के बराबर होता है, और मैं ना हर बार बोलता जब भी ट्रांड आता हूँ, पिछली बार भी बोला था, जो बंदे डेली इसी हाईवे के ऊपर काम करते हैं भाई उनको सलूट है मेरा। एक होता है 407 हाईवे पूरे ट्रांडो में पैरेलल चलता है 401 के, वो 407 के ऊपर टोल लगता है। भाई देखो कितना ऊंचा ब्रिज है ये, और यहाँ पे ट्रैफिक काफी कटी हुई रहती है क्योंकि यहाँ पे जाम लगता है। और क्या नजारा है भाई देखो, लेकिन जाम देखना भी जाम, इसके अलावा ऊपर से नीचे देखेंगे ना तो दुनिया कुछ और ही होगी देखना। स्वागत है आपका भाई 401 हाईवे के ऊपर, जैसे हर बार अपना स्वागत होता है इस बार भी सेम ही हो रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पिछली बार इधर इधर ट्रक थे, इस बार कारें हैं, मसला वही है 30-40 वाला ही, लाइनें लाल हैं, आराम आराम से जाओ। वो आंदे लाइन तो भरावा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, जीता वास्ता रह। सेंटर वाले में डाल के रखते हैं सीधा ही फंडा, अपने को तो जाना ही सीधा क्रॉस करके दूसरी तरफ है, क्यों टेंशन लेनी है। इस रोड के ऊपर आके ना अगर आपका गियरों के ऊपर हाथ साफ नहीं है, जहाँ तो आप गियर को तोड़ दोगे तो जहाँ फिर आप ज़्यादा मास्टर बन जाओगे गियरों के। तगड़ी इंस्पेक्शन हो रही है भाई, पुलिस वाले ने रोक लिया फिर से। अपना पंजाबी भाई ये स्केल के ऊपर पुलिस वाला, और आज किस्मत खराब, पता क्या निकली, जब मैं सुबह निकला ब्रेक लाइटें चल रही थी और जैसे स्केल पे आया ब्रेक लाइटें बंद हो गई। और एक और बात है, ऑफिसर जानता है अपने को क्योंकि ऑफिसर पंजाबी है, ब्रेक लाइटें नहीं चलती तो अपने को मालूम ही है ट्रेलर आउट ऑफ सर्विस होगा, तो ब्रेक लाइटें फिलहाल चल नहीं रही। लेकिन बंदा पंजाबी था, और एक चीज मेरे को बढ़िया लगी कि उसने टिकट नहीं दी, बोलता है कि टिकट नहीं है वार्निंग है, ट्रेलर आपका आउट ऑफ सर्विस है, ट्रक आप लेके जा सकते हो कहीं जाना है फ्यूज लेने के लिए कुछ लेने के लिए। मैं फ्यूज पहले ढूंढ रहा हूँ ट्रेलर का, मेरे को आगे मैंने हुड उठा के देख ली है, हुड उठा के जो देखी उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें ट्रेलर का फ्यूज है नहीं एक्चुअली। तो बस ये जो लाइटें होती है ना ब्रेक की, ये मालूम ही नहीं पड़ती चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी इन्होंने स्केल भी बंद कर दी। अपनी किस्मत है भाई, ये किस्मत है भाई, अभी स्केल भी बंद होगी, सारी ट्रैफिक सीधी जा रही है, अभी स्केल बंद करके बैठ गए। भाई जी मेरा टाइम वेस्ट करना था, मैंने जाके डिलीवरी भी करनी है यार। हैट्स ऑफ यार, बंदे ने बड़ी नाइसली बात की और पहचान लिया अपने को, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। ट्रेलर का फ्यूज ढूंढूंगा, नहीं तो फिर सर्विस कॉल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आएगा फिर और क्या करेंगे। वेस्टर्न स्टार का फ्यूज बॉक्स जो है ना वो ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ के देखेंगे। इतना शुक्र है अगले ने इतना फेवर कर दिया कि भाई टिकट नहीं दी, नहीं टिकट जो है ना बहुत बुरी चीज़ आपको मालूम है, और ब्रेक लाइटें या कोई लाइट बंद हो जाती है इसका कुछ मालूम नहीं पड़ता कब क्या हो जाता है। इस पर यहाँ सारी डिस्क्रिप्शन दी होती है, देखो कि कौन सा नंबर फ्यूल कौन सी चीज़ का है, ये देखो 2-3 लिस्टें बनी हुई ना इसके ऊपर से ढूंढेंगे। अभी ढूंढना कैसे होता है, अभी ये देखो F49
स्टॉप लैंप ट्रेलर। तो ये स्टॉप लैंप का है ट्रेलर का, इसकी लोकेशन दी होगी भी ये कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ये डायग्राम बनी हुई ना सेम आपको ऐसे इधर देखना है, ये डायग्राम बनी हुई ना इसको ये वाले में देखना है, इसको ये वाले में देखना है। 1 2 3 तीसरी रिले के नीचे F49 दूसरा है, 1 2 3 और ये तीसरा 30 है, देखा F49, ये F49 है भाई। लेकिन अभी इसकी जगह में कोई स्पेयर लगाना पड़ेगा कहीं से उठा के, कहाँ से लगाएंगे। ये मैंने एक यहाँ से निकाला, इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और मेरे को जाके चेक करना पड़ेगा कि ब्रेकें चल रही हैं कि नहीं। चेक करके आया हूँ, नहीं चली हैं। ये मैंने एक जुगाड़ लाया ब्रेक लाइट का। बात देखो कितनी गाड़ियाँ रोक रोक के टिकटें दे रहे हैं भाई। अभी ये तो चल रही हैं, अभी फिर से स्केल ओपन हो गई, दबा दब टिकटें दे रहे हैं भाई। चल जा यार, नहीं चलियाँ, पता नहीं की बीमारी पैगी इन्हों, फ्यूज़ भी बदली करके देख लिया। फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये 30 एम्पेयर का फ्यूज़ मैंने, ये अभी विंडो नहीं काम कर रही, ये विंडो वाली जगह में लगा हुआ था यहाँ पे। तो दैट मीन्स की फ्यूज़ तो सही है, अभी कोई और प्रॉब्लम है वो अपने बस में नहीं है, वो तो अभी कंपनी को सर्विस कॉल करनी पड़ेगी। दिल्ला बिया दे विच ट्रक आउंदे वे सामने ट्रेन जांदी आ, ट्रेन वाले को बोलते भाई ले जा और वो अपना ट्रक दूर खड़ा किया हुआ है। अभी मैं लिस्ट लेके आया हूँ मैकेनिक लोगों की लिस्टें इनके पास में होती हैं और ये लाइन लगी हुई है पूरी ट्रकों की और यहाँ पे चेकिंग चल रही है। So that's the car who is delivering? Yeah, he's just confused, man. So I told him like come on the inspection station. Thank you, sir. You're going to jail, man. Yeah. Doesn't let me swap the order now because I'm not at the address. I will go to the address. Okay. And I'm going to swap the order. That's yours. Thank you very much. Thank you so much. Aise bhi hota hai, bhai. So nice of you, sir. Oh, hey, man, it's all good. I just want you guys to be safe. Thank you. Take care. Yeah. देखा भाई, खाना मंगाया स्किप वाले से और छोड़ के गया हमको पुलिस वाला, और हमने पुलिस वाले की गाड़ी भी देख ली। यार कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको रास्ता मिल नहीं रहा था अंदर आने का स्केल के ऊपर, तो फिर पुलिस वाले ने देखा उसको भी ये रॉन्ग साइड से अंदर घुस रहा है, तो भाई उसको भी टिकट मिल जानी थी और मसला बन जाना था यहाँ पे। लेकिन सब अच्छा हो गया। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैंने किया क्या। सड़क के उस बार ना वो सामने कुछ स्टोर है, मैंने एक स्टोर का नाम पकड़ा, स्किप का डिशेज में ना स्केल का एड्रेस नहीं आता, मालूम नहीं क्यों नहीं आता, आना चाहिए जब मेरे जैसा बंदा को फंसा हुआ है। खाना अपने पास है लेकिन वो मैंने एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, जब जाना ना विनीपैग को तो वहाँ पर रास्ता कहीं ख़राब हो गया या रास्ते में स्टक हो गया तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो ऑफिसर है बंदा पंजाबी है, बंदा बड़ा अच्छा है, और ये भाई जो सामने खड़ा है ये डंपर ट्रक है, इसकी हवा एक टायर में कम है तो ये हवा वाला पाइप लेने के लिए गया हुआ है। तो अभी बस बैठ के खाना खा लेते हैं, खाना एक बार अंदर गया होगा तो बस टेंशन नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिक है सर्विस कॉल है वो अभी 1.5-2 घंटे में आएगी, सारे बिजी चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। कई बार ना स्किप की जो ऐप होती है वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन उठाती नहीं, तो मैंने आसपास की लोकेशन देखी, स्टोर डाला स्टोर वाले को, बाद में मैंने उससे चैट करनी शुरू कर दी, मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो ट्रक इंस्पेक्शन स्टेशन डाल अपने मोबाइल में और उसको डाल के आ जा। उसको भाई जगह नहीं मिली अंदर घुसने के लिए, फिर पुलिस ऑफिसर ने देख लिया वहाँ पे उसको, तो रॉन्ग साइड घुस रहा है, तो पुलिस ऑफिसर ने उसको बोला कि क्या करने के लिए, वो बोला फूड डिलीवर करने के लिए आया हूँ। तो बंदा पुलिस वाला देखो कितना अच्छा था, गोरा था वो, मेरे को आया देखने के लिए और मेरे को पूछ रहा कि तुमने खाना मंगवाया, मैंने बोला हाँ, बोला बैठ अंदर, मैं बोला ले भाई मेरे को तो बंद कर दिया इसने, अभी तू क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो भाई उसने मेरे को पीछे बिठाया और उसके पास ले गया, फूड उसके पास से उठाया, फिर मेरे को आगे, डोर बाहर से खुलता है अंदर से खुलता नहीं, अंदर आपने देखा ना सब तरफ वो जाली लगी हुई है। तो भाई ऐसे कभी कभी पुलिस वाले अपनी गाड़ी में डाल के भी ले जाते हैं, चलो अच्छा हो गया, अच्छे कॉज के लिए डाल के ले गए, ये बढ़िया है। और यहाँ पे फिर अपना पोपट हो गया, मैंने मंगाया बटर चिकन, साथ में बटर चिकन नान, ये बटर चिकन और नान देखो साथ में, इस नान से हमारी दाढ़ें भी गीली नहीं होगी। अपनी वाली रोटी निकालते हैं गर्म करते हैं, उसको खाना पड़ेगा भाई। ये मेरे जैसे तीन और बंदे निकाले हुए हैं भाई उन्होंने। आज कितनों का नंबर लगेगा। थैंक यू वीरे, ये वीरा अपने लिए चाह लेके आया यार, ये भाई जाओ ट्रक का सामना।
थैंक यू ब्रदर। मिल गई पैर मिल गई हां मिल गई भाई ट्रैक्शन लग गई थी का। ओके 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 चलो मेहरबानी मेरे बहुत कोई चक्कर नहीं सही हो गया। मैंने बाइक को हाँ ही कर दी क्योंकि जो मैंने मंगवाया था ना वो काम का नहीं निकला। इतनी सी रोटी सी इतनी सी रोटी तो हमारे दांतों में फंसी हुई है हमारे पेट बड़े हैं भाई। फाइनली भाई हमारे बंदे भी आ गए ये करेंगे अपने को ठीक। आई एम द पर्सन मैन आई एम द मैन। ऊपर से ठंड बोल दिया कि मैं ही मैं हूं। हे मैन हाउ आर यू गुड। ये यंत्र भी मैंने लेके रखना है इनके पास। चिल विंड चल रही है भाई बाहर। हुड उठा के भी देख लिया वहां पे कोई फ्यूज उड़ा हुआ नहीं है। अभी फिर बोलता कि मैं एक बार ये खोल के देखूंगा। टाइम हो गया भाई विनीपेग का एक, टोरंटो के दो बज चुके हैं। अगर एक डेढ़ घंटे में यहाँ से नहीं निकला तो आज की डिलीवरी भी नहीं होगी। तो आज भी सारा दिन पीटरबरो में रुकना पड़ेगा। मिस्टर पर तगड़ी शक्ति है जो अपना जोर लगा रही है लेकिन सबसे बड़ी शक्ति वो ऊपर वाले की है। जो वो कर रहा है वही मेरे लिए ठीक है। बस चढ़ दी कलम है। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। हवा चल रही है ना हवा चलने की वजह से ठंड इतनी आपके मसल्स के थ्रू कि आपकी हड्डियों में से निकल रही है इतनी ज़्यादा ठंड है। Yeah, right is good. Right. Right. Left, left. Left now, left is doing. Something fishy in there. No. But एक लाइट सही होगी। No, left turn is not good. ठंड बहुत ज़्यादा है यार। बुरा हाल हो गया ठंड से। काम अभी नहीं बन रहा। कोई वायर किसी के साथ में कनेक्ट हो रही है, कोई वायर किसी के साथ में कनेक्ट हो रही है। तो ये बंदे अभी उसको सही करेंगे। भाई कहाँ नीचे घुसा हुआ देखो। मेरे को ना बाहर खड़े खड़े को मेरे हाथ जो है ना नीचे से उतर रहे हैं साथ में। इतने मतलब कि ठंड ज़्यादा है, हवा इतनी ठंडी है। अभी धन है ये बंदे जो नीचे जाके भाई काम कर रहे हैं। चल जमुरे ब्रेक या लेफ्ट राइट यस गुड। अब जाके जान छोड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। So these guys are awesome. You guys are awesome. YouTube? Thank you. On YouTube, sir? Yes, yes, yes. Come on, look at we're on YouTube. लो भाई ये वाला मसला हल हो गया। बंदा बड़ा जेन्युइन था। और एपीटी वालों को स्पेशल बता दूं कि हरियाणा कुरुक्षेत्र का एक बंदा था जिसने अपने को पुल किया था और अभी उसने अपने को छोड़ा है नो टिकट। लेकिन हाँ आउट ऑफ सर्विस था ट्रेलर तो अभी उसने रिपोर्ट चेंज कर दी, नई रिपोर्ट बनवा के लेके आया। तो बोलता कि भाई ध्यान से जाना सारा काम सही करके फिर निकलना। लो भाई एक बार फिर से रोड के ऊपर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है भाई मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का दुख जरूर होता है कि ऐसे वाला जब काम हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट के पैसे अलग से लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना ये मेरे भी हाथ में नहीं है। ये ऊपर वाले के हाथ में कौन सी चीज़ पे क्या पंगा होना है, कहाँ पे कौन सी वेट पड़नी है, ये सब चीज़ें जो है ना ये सब उनके हाथ में ही है। अभी मेरे को उसने पता क्या बोला, बोला कि जब भी आप अभी स्केल के ऊपर आओ तो दूसरी तरफ से निकल जाना लेफ्ट वाली साइड से। तो अभी हम आराम से लेफ्ट वाली साइड से जा रहे हैं और इसको हार्ड उतार रहे हो जाएंगे कि भाई जी तेरा शुक्रिया। हरियाणा और कुरुक्षेत्र से अपनी काफी बनती है आजकल। ओए शुगर है, ओए शुगर है, बाबा जी आपका शुगर है। ओए चौथी डिलीवरी वाले बंदे आ गए हुए सामने मेरे। ओ भाई बताओ बताओ भाई कहाँ पे उतारना उतारना क्या करना क्या है मेरे को बताओ, मेरी जान छोड़ दो भाई जी। अभी इनको मेरे ख्याल में ट्रेलर रिवर्स चाहिए होगा तो शायद ये बोलेंगे भी रिवर्स लेके आ। जल्दी से जाता हूँ भाग के पूछ के आता हूँ इनको, इनके पेपर इनको पकड़ाएंगे। आजा भाई आजा, तेरे पेपर ही लेके घूम रहा हूँ, तू ही अकेला बचा है बाकी सब डाउन हो गया। मट्ठी मट्ठी पेंदी है कितने कोई। और यहाँ पे हुए हैं 3:50। अभी अपने को यहाँ से ट्रेलर को रिवर्स करना है और अपने कर्तव्य दिखाएंगे रिवर्स वाले फिर से। बड़ी खुशी होती है भाई जब स्केल से निकल के आते हैं बिना टिकट के। ऐसी स्लो में ना बस एक ही चीज का ख्याल रहना चाहिए कि आपका ट्रक फंसना नहीं चाहिए, बस बाकी सब ठीक है। अभी मेरे को जाना है उस कॉर्नर में तो जहाँ से ट्रेलर को एंकल दे दिया मैंने। अभी ट्रेलर आस्ते आस्ते जाता जाएगा लेकिन आपका ट्रैक्टर जो है ना वो सीधा ही रहेगा, उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि अपने को ये वाली कॉर्नर बचानी है इनकी। भाई पीछे खड़ा है भाई, नीचे गिरने से पहले बता देना कि मेरा ट्रेलर नीचे गिर रहा है।
वहाँ पे फंसना शुरू हो गया था। ऊंची नीची जगह थी वहाँ पे, ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं उस तरफ को। फिर से मैंने डिफरेंशियल लॉक लगाया, आगे खींच लिया, क्योंकि आगे से आए थे ना हम लोग, तो आगे जाना आसान था। अगर यहाँ पे टो मंगवानी पड़ गई ना भाई, तो कंपनी वालों ने गले से पकड़ लेना जाके। उन्होंने कहा 250-300 पहले लगवा के आया, अभी तेरे को फिर नई टो चाहिए। ट्रक बंद, सारा कुछ बंद, कैप ऑन, जैकेट ऑन, लेट्स गो। एक चीज अपने पल्ले बांध लो, ड्राइवर भाई चला कैम रखना है ना, तो टार्पें वारपें सब आपको सही तरीके से बांधनी पड़ेंगी। मैं फोल्ड कर रहा हूँ, देखना टार्प कितनी छोटी हो जाएगी, बस अपना दिल छोटा मत करो, टार्प जितनी मर्जी छोटी कर लो। अभी जो लास्ट पार्ट है वो कैसे शूट करना है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही फोल्ड करना है बस। अभी मेरे को मालूम है मेरा पल्ला किस तरफ है, जब भी खोलनी है अभी मैं ऐसे खोलूंगा, सीधा पल्ले वाली साइड बाहर रहेगी। इनके चार ही थे यार, एक ने उतार लिया, तीन बाकी रह गए, ये दो मिनट में ख़त्म कर लेंगे। इसको चूमने को दिल करता है भाई, जो इसने झेला ना पिछले 2-3 दिन से, वो अगर ये वाले कपड़े झेलते ना, आपको मालूम है क्या हाल होना था इनका। इसका हाल देखो बेचारे का, पीछे से तो बिल्कुल भी सही है, आगे से जगह जगह में अगर मैं इसको जाके बाल्टी में डुबोऊंगा ना, चीखें मारनी अंदर से। जैसे मैंने आज शावर लेना है कहीं से, तो मेरी भी चीखें निकलेंगी भाई, शुक्र है शावर नसीब हुआ। पीछे वाला बैनर भी ओके, नंबर प्लेट दिस रही है। ओ हाँ, यहाँ पे एक लाइट लगानी है। रेडी हो गए बाबा जी की कृपा से, लोड अपने पास बहुत हौला है। एक बार रास्ते में कहीं डीजल डाल लिया ना, तो मेरे ख्याल में विनिंग पैक चला जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आधी टैंकी से ऊपर ही रखेंगे डीजल को। सर्दियों का मौसम है, कहीं भी रोड बंद हो सकता है, टोरंटो वाला रोड है आपको मालूम है। आई वाह, ये सही है। अभी ट्रेलर अपना कंप्लीट हो गया, ओवरसाइज के बैनर हो गए और दो झंडे पीछे, और ये लाइट ब्लिंक करती हुई, ये भाई बार बार ओपन हो रहा है, इसको लॉक करना पड़ेगा। सारा टोरंटो शहर पार करके बैरी की तरफ अपना मुंह हो गया। अभी मैं एक बार लोड चेक कर लेते हैं, और पीछे वाली लाइट जो टिमटिमा रही है ना, वो सही है या नहीं सही है उसका देखना बड़ा जरूरी है। ओ जियो, खुश किता ही। इसको मैंने जहाँ रात को रुकना है वहाँ पे बंजी कॉर्ड मार देनी है इसको, सेंटर में से एक, वो सही रहेगी। और ये अभी 400 हाईवे शुरू हो गया, बहुत टाइम के बाद मैं टोरंटो से नॉर्थ बे की तरफ 400 हाईवे के ऊपर जा रहा हूँ। अभी रश बिल्कुल भी नहीं मिला, बड़ी शांति थी रोडों के ऊपर, 100 के ऊपर ही आया हूँ। ये लो भाई, आ गए वापस विंटरलैंड की दुनिया में, जो टायरों के निशान है वही दिख रहे हैं, तो उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं। ये जो आगे से पीछे से बंदे आ रहे हैं ना ओवरटेक करने वाले भाई, अभी रात को इनकी वजह से थोड़ा सा हिसाब किताब खराब हो सकता है, क्योंकि इनको मालूम नहीं पड़ रहा, ये अपनी स्पीड मार के ओवरटेक करके भाग रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी का काम खराब करेंगे। जब भी आप कभी टोरंटो से बाहर निकलते हो ना, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ बे की तरफ जाने के टाइम में जो मस्कोका टाउन आता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्नो पड़ती है पूरे साल में, और बारिश भी सारी गर्मियां यहाँ पे होती रहती है। तो अभी देखो यहाँ पे आसपास का हालात देखो, सिर्फ ट्रैक ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब जो सफेद है ना, ये मिट्टी नहीं है, ये अभी स्नो पड़ गई यहाँ पे। इसके सारे पंगे डाले हुए हैं, इसकी इसी के सारे कायल हैं, ये बैठे हैं भाई साहब, हिल रहे हैं ऊपर। कनाडा के झंडे की बात कर रहा हूँ भाई जी।
मिल गई हो जगह, वो जगह मिल गई होए, जगह मिल गई होए। बाबा जी शुक्रिया ताड़ा, शुक्रिया ताड़ा, शुक्रिया। ये तो भाई ऊपर वाले ने बड़ी पास होके सुनाई अपनी। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.